नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर भारतीय किसान यूनियन में जारी हुआ नया निर्देश, बिना अनुमति नहीं दिया जा सकेगा धरना प्रदर्शन। खबर देवभूमि। उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव कालियावाला से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने अपने आवास पर जानकारी देते हुए बताया कि अब भारतीय किसान यूनियन में नया निर्देश जारी हुआ है और 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें 4 पदाधिकारी सहित स्वयं प्रदेश प्रभारी उषा तोमर भी शामिल है। इस निर्देश के तहत गठित टीम की अनुमति बिना कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं दिया जा सकेगा। यह निर्देश प्रत्येक पदाधिकारी के लिए मान्य होगा, जिसको भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि इससे पूर्व में कोई भी पदाधिकारी बिना ब्लॉक अध्यक्ष, बिना जिला अध्यक्ष एवं बिना प्रदेश अध्यक्ष को बिना सूचित करे ही धरना प्रदर्शन कर देता था, जिससे संगठन में अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था फैल रही थी और परिणाम प्रतिकूल व कमजोर पक्ष सामने आ रहे थे। वही आपको बताते चले कि दरअसल मामला नव वर्ष 2024 के दूसरे दिन राजधानी देहरादून से बाजपुर धरना स्थल पर जाने के दौरान का है, जब जसपुर क्षेत्र के गांव कालियावाला में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के आवास पर प्रेस वार्ता कर बाजपुर के शुगर मिल गेस्ट हाउस में आयोजित हुई कुमायूं मंडल के पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचने पर पदाधिकारियों एवं महिला विंग की महामंत्री हंसी सागर द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया था, तथा प्रदेश के किसानों की अनेक समस्याओं के साथ साथ संगठन को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया गया था और संगठन में आ रही अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था से अवगत कराया था, जिस पर प्रभारी ने सभी समस्याओं के हल कराने आश्वासन देते हुए बाजपुर में चल रहे धरना स्थल के लिए प्रस्थान किया था, तथा वापसी के बाद राजधानी देहरादून पहुंचकर सभी समस्याओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता को अवगत कराया था, जिसका संज्ञान लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने संगठन मजबूत करने एवं अनुशासन व व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य निर्देश जारी किया है। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के निर्देश और राकेश टिकैत जी के निर्देश द्वारा प्रभारी जी ने, उषा तोमर जी ने एक बैठक यहाँ पंचायत करी थी बाजपुर के मसले के जो हल करने के लिए, तो उस बीच एक मीटिंग जो पूरे कुमाऊं मंडल के पदाधिकारियों की जो चीनी मिल, बाजपुर की चीनी मिल थी, उनके गेस्ट हाउस में रखी गई थी पहले। फिर धरना स्थल पर जाकर तो वो रणनीति जो बाजपुर का मसला चल रहा उसके बारे में आई थी प्रभारी जी। जब मीटिंग रखी गई तो कार्यकर्ताओं का वहाँ पर ये चीज़ आई निकल कर कि जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जहाँ ब्लॉक अध्यक्ष के अन्य को उन्हें पता नहीं होता और तो कोई वो किसान यूनियन का झंडा लगा के और धरना और प्रदर्शन देने लग पड़ता है, तो उसमें कुछ कमज़ोर पक्ष भी सामने आते हैं, क्योंकि रणनीति बनाए बगैर ही जो अपने पदाधिकारी वहाँ की यूनिट होती है उसे बताए बगैर ही उनके क्षेत्र में धरना लग जाता, उन्हें पता नहीं होता, तो एक तो वो कमज़ोर पक्ष सामने आता है। एक दूसरी बात है कि वो फिर अड़चने भी आती हैं, संख्या इतनी नहीं हो पाती थी कि जितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है भारतीय किसान यूनियन का, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं हमारे, बहुत यानी पूरे देश के अंदर हैं, तो इसलिए वो राष्ट्रीय जो प्रभारी जी हैं हमारी जिला प्रदेश प्रभारी जी, उनके सामने जब बात आई तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करी और राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी माननीय चौधरी साहब से बात करी, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है और जिसमें ये 5 नाम दे दिए हैं, उसमें जिलाध्यक्ष भी हमारे हैं और प्रदेश प्रभारी जी हैं और प्रदेश महासचिव जी हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं और जो हमारे कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष जी हैं सम्मानित, तो 5 जनों की कमेटी को गठित कर दिया है कि कहीं अगर धरना या प्रदर्शन होना है ये कमेटी से सहमति ली जाएगी और फिर उसे देखा जाएगा कि भाई धरना प्रदर्शन फिर पूरी मजबूती के साथ उस चीज़ को लेकर लड़ा जाएगा और उसे सफलता हासिल की जाएगी, तो इस तरह का वो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है और वो लेटर आया है, तो वो प्रेस को आज हम आपके द्वारा ये बताना सभी को चाहते हैं कि ये एक जो एक संगठन बहुत बड़ा है, जो एक डिसिप्लिन के जरिए से यह निर्णय लिया गया है कि डिसिप्लिन भी रहे, क्योंकि
संगठन वही मजबूत होता है जिसमें डिसिप्लिन है और उसमें वो पूरी रीति नीति से अपना जो आधार है उन पर चले, वही संगठन मजबूत है। वही ऐसा ही भारतीय किसान यूनियन टकैत संगठन है ये, और ये शुरू से हमारे महात्मा टकैत जी के बहुत नियम अच्छे बने हुए हैं।